दोस्तों यमुनानगर का सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, आपने मनाली सर्च किया होगा, शिमला सर्च किया होगा, पर पलहोड़ी का भी सर्च किया। यमुनानगर का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है पलहोड़ी। पीछे का व्यू देखिए कितना बढ़िया लग रहा है एक बार यार, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, नदी बह रही है, बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। जानना चाहते हो कि कैसे आ सकते हो यहाँ तक, दोस्तों सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रही वीडियो के साथ। लास्ट में बताया कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हो, तो चलते हैं। यहाँ तालाब किनारे भी बैठ सकते हो आप, पर बारिश करके पानी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, वरना यहाँ पे सब बैठने की जगह थी, यहाँ लोग बैठते थे आराम से, यहाँ पे तालाब का व्यू लेते थे। तो अब बारिश करके इस खराब हो रहा है। ये देखिए बाकी क्या व्यू है यार। मनाली सुना होगा, शिमला सुना होगा, कहाँ कहाँ जाते हो? यहाँ आओ ना अपने यमुनानगर में, बहुत बढ़िया है यार। ऊपर जाकर आपको बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। बस थोड़ा सा अगर अच्छा मौसम होता ना बारिश का, तो लाजवाब मौसम था। बाकी ऊपर जाके आपको पहाड़ों का व्यू दिखाता हूँ, भूल जाओगे मनाली शिमला। तो दोस्तों घूमने फिरने का मन किसका नहीं करता। वैसे भी आपको पता है कि अपने शहर के पास इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है कि आपको बिल्कुल नहीं पता। हम बिल्कुल यमुनानगर में रहते हैं, यमुनानगर से कुछ ही दूर पे खिजराबाद पड़ता है, खिजराबाद से कुछ ही दूर पे आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कितनी बार इस जगह को। पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस जगह का नाम है पलहोड़ी। पलहोड़ी से मतलब थोड़ी सी आगे है, पलहोड़ी यहाँ से शुरू हो जाता है, आगे टूरिस्ट प्लेस है यमुनानगर का बहुत बढ़िया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आप फिलहाल यहाँ का व्यू देखिए एक बार, आपको मैं कैमरा घुमा के यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। नदी देखिए, पीछे पहाड़ देखिए आप। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, अपनी फ्रेंड के साथ आ सकते हो, यहाँ पर आप बढ़िया स्टे कर सकते हो, कैंपिंग भी के टेंट भी लगा सकते हो। और आसपास के गांव वाले बिल्कुल भी इस चीज के लिए बिल्कुल आपको मना नहीं करते, बहुत बढ़िया प्लेस है यमुनानगर के पास ही है। अब मैं आपको यहाँ का पूरा टूर कराने वाला हूँ, पूरा दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कितना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है यार, ये यमुनानगर में पड़ता है और बहुत ही पास है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ तक आ सकते हो, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। अभी चलते हैं फिलहाल टूरिस्ट प्लेस की तरफ। तो दोस्तों पहले मैं आपको ऊपर आश्रम में लेके चलता हूँ बाबा जी के, जिन्होंने 13 साल से मौन व्रत रखा हुआ है। और ऊपर बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है, देखिए ऊपर आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर, ऊपर से पहाड़ भी नजर आते हैं। और ये यमुनानगर है, मैं आपको फिर से बता दूँ, पहले भी आपने देखी होगी और पहले कंप्लीट मैंने पूरे आश्रम की बनाई हुई है, दोनों जैसे आसपास जितने भी आश्रम है, ऊपर आई बटन मिल जाएगी, वहाँ जगह देख लेना। फिलहाल मैं आपको ऊपर आश्रम में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, फिर हम चलते आगे पलहोड़ी की तरफ जहाँ मेन टूरिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों यहाँ से आए हम, यहाँ से नीचे से आए, नदी के पास से ऊपर रास्ता जा रहा है। रास्ता इतना ख़राब था कि आपको इसलिए नहीं दिखाया, बाकी ये रास्ता जा रहा है ऊपर आश्रम में और ये पहाड़ हैं कुछ, ये ऐसा व्यू है। बाहर इतने पैसे खर्च कर देते हो भाई, ये लाखों रुपए खर्च कर देते हो, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हो, बाहर घूमने के लिए जाते हो। मनाली सुना होगा, शिमला सुना होगा, कहाँ कहाँ जाते हो? यहाँ आओ ना अपने यमुनानगर में, बहुत बढ़िया है यार। ऊपर जाकर आपको बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। बस थोड़ा सा अगर अच्छा मौसम होता ना बारिश का, तो लाजवाब मौसम था। बाकी ऊपर जाके आपको पहाड़ों का व्यू दिखाता हूँ, भूल जाओगे मनाली शिमला। चलते हैं, बाइक यहाँ पर लगा सकते हो आप, जैसे हमने वहाँ बाइक लगा दी, बाइक आप यहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी की दिक्कत नहीं है, गांव वाले सारे अच्छे हैं यहाँ के। ये ऊपर रास्ता जा रहा है, बारिश की वजह से देखो कितना फट गया है रास्ता, यहाँ से ऊपर पानी इतना आ रहा था ऊपर से कि पानी यहाँ पे रास्ता ही फाड़ दिया। ऊपर जाके आपको आश्रम दिखाता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ मेन टूरिस्ट प्लेस पलहोड़ी में, जहाँ जंगली जानवर भी दिख सकते हैं आई होप, बाकी दूर से देखें वही सही है। चलते हैं, ये देखिए पहाड़ देखिए कैसा है, सारे में काई जम रही है। और ये पीछे का व्यू देखिए, जैसे ऊपर जाते रहोगे यहाँ आपका व्यू और भी अच्छा होता रहेगा, ऊंचाई पे आते रहोगे और पहाड़ दिखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से सारा हिमाचल लग जाता है, यहाँ से सारे हिमाचल के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ऊपर जाके सारे दिखेंगे आपको। ये देखिए तालाब भी यहाँ पे कितना बढ़िया, यहाँ तालाब किनारे भी बैठ सकते हो आप, पर बारिश करके पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, वरना यहाँ पे सब बैठने की जगह थी, यहाँ लोग बैठते थे आराम से, यहाँ पे तालाब का व्यू लेते थे। तो अब बारिश करके इस खराब हो रहा है। ये देखिए बाकी क्या व्यू है यार। ये देखिए ऊपर आगे कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है, ये तालाब तो मैंने आपको दिखा दिया, पीछे से इतने बड़े बड़े पहाड़ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कलेसर के पहाड़ भी हैं। इधर की तरफ जाओगे तो उत्तराखंड के पहाड़ लग जाते हैं, इधर की तरफ जाओगे तो हिमाचल के पहाड़ लग जाते हैं, बीच में यमुनानगर है। और यह है ऊपर आश्रम, ये देखिए आश्रम के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर जो महाराज जी बैठते हैं, वितरागानंद जी सरस्वती जी महाराज हैं, 1008 बार मंत्र को जाप करते हो तो उस वजह से लिखा है श्री श्री 1008। और आश्रम नशा करना, आवाज़ करना बिल्कुल मना है, आराम से बैठिए, भगवान का ध्यान करिए और जा सकते हैं अपने घर प्रसाद ग्रहण करके। तो ये ऊपर रास्ता जा रहा है, बाकी आप जूम करके जरूर बोर्ड को अच्छे से पढ़ लेना और फिर यहाँ पर आना, आना जरूर अपनी फैमिली के साथ, इतनी बढ़िया जगह है यमुनानगर में। ये जा रहा रास्ता,
तो दोस्तों आ गए हम आश्रम में, पर बाबा जी ऊपर हैं, भी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और ज्यादा बोलते चलते नहीं है। फिलहाल आपको आश्रम का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ पे ध्यान लगाना ही ध्यान लगाने के लिए आते हैं, तो आप जब भी आए तो यहाँ शोर शराबा ना करें। बाकी आपको आश्रम का लुक दिखाता हूँ और ऊपर पहाड़ों से जंगली जानवर यहाँ पर आ जाते हैं आश्रम में। ऊपर पहाड़ देखिए, यहाँ से जंगली जानवर आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको एक गुफा दिखाई देगी, छोटी सी गुफा है। यहाँ पे जब जंगली जानवर आ जाते हैं तो बाबा जी इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, इस गुफा के अंदर बाबा जी चले जाते हैं अगर जंगली जानवर आ जाते हैं। ये आश्रम में किसी भी प्रकार का नशा करना मना है और ऊंची आवाज में बात करना मना है। और ये आश्रम का लुक, आप यहाँ पे बैठिए, विश्राम कीजिए। ये झंडा भी लगा ऊपर, रसोई भी अंदर, चाहे अगर आप आते हैं यहाँ पे भंडारा करवाना हो, कुछ करवाना, तो आप रसोई में खाना वगैरह बना सकते हो या अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो बाबा जी के दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ पर खाना वगैरह बना सकते हो। और ये ऐतिहासिक आजाद आश्रम यमुनानगर में है। आपको मंदिर मंदिर के दर्शन भी कराता हूँ। अभी दिन का टाइम हो रहा तो बंद पड़ा है, शाम को खुलेगा, आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर है और ये बाबा जी है यहाँ के। इसको आप जो पोस्ट करके जरूर पढ़ लें। यहाँ पे एक बात साफ साफ लिखी है कि यहाँ पर आप अपने घमंड को, अपने पैसों को, अपने शरीर की मुद्रा को बाहर रख के आए, दिल से यहाँ पे आए पूजा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान आपकी जरूर सुनेगा। घमंड को बाहर छोड़ के आए। थोड़ा और व्यू देखते हैं, फिर आपको आगे लेके चलता हूँ पलहोड़ी। दोस्तों बाबा जी ऊपर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आना, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश का मौसम हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। यहाँ ऊपर है बाबा जी, तो कह रहे हैं शाम जी को आना, पर शाम तक हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब देखते हैं बाबा जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये तो फिर आगे आपको मेन टूरिस्ट प्लेस पर लेके चलता हूँ मैं, जो इसके लिए मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया था पलहोड़ी में, वहीं जाके आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाते हैं मेन। 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बाबा जी तो मिले नहीं, पर थोड़े दिनों में मेरे को फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैं आपको बाबा जी से मिलवा दूंगा। पर मैंने आपको 13 साल बताया, उन्होंने 15 साल से मौन व्रत रख रखा है, पर खैर कोई बात नहीं, अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी हम उनको परेशान नहीं करते। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेन टूरिस्ट प्लेस में, यमुनानगर की सबसे बढ़िया, जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना, फिर से बता दिया आपको। तो अब चलते हैं पलहोड़ी में। फिलहाल आप यहाँ का व्यू देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे भी आ जाते हो ना तो आपका घूमना पूरा हो जाएगा। कितना बढ़िया प्लेस है यार, नदी किनारे बैठो, कुकिंग करो यहाँ पे, कैंपिंग करो, कुछ भी करो। तो फिलहाल मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ अब पलहोड़ी। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, देखना बारिश वाला मौसम हो रहा है। यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है, देखिए ताज़ा, एकदम ऊपर से ताज़ा पानी आ रहा है एकदम यहाँ पे, यहाँ ऊपर पहाड़ों के अंदर से आ रहा है एकदम पीने लायक पानी, और यहाँ से होके नीचे जाके ये नदी बन जा रही है। तो दोस्तों जहाँ आपको लेके आना था वहां मैं लेके आ गया हूँ। ये है जगह सारी पलहोड़ी की, यहाँ पे आप पीछे का व्यू देख सकते हो, कितना बढ़िया जगह लग रही है यार। क्या फायदा इतने हजारों रुपए खर्च करके आपको शिमला मनाली जाने का, अपने यमुनानगर में आओ घूमने के लिए, अपने फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे रहो, शाम को वापिस चले जाओ, जहाँ ज्यादा दूर है। आप यहाँ पे कैंप भी करो, कुकिंग करो, बाकी आपको आगे ले चलते नदी क्रॉस करके। नदी का पानी आप देख लीजिए, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, ठंडा पानी है एकदम, कोई खराब नहीं है, पीने लायक पानी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहां पे कितनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। और आपका यहाँ पर आसपास, और आपको ये बता दूं कि इस पहाड़ों के पीछे पलहोड़ी पड़ता है, वैसे ये जगह सारी पलहोड़ी की है, पलहोड़ी इस पहाड़ के पीछे पड़ता है, विलेज का नाम है एक बहुत बढ़िया, और ये सारा पलहोड़ी का एरिया है। बाकी इस रास्ते से आए हैं, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, इस रास्ते से हम आए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है यार, क्या नदी आ रही है यहाँ पे, कैंपिंग करो यहाँ पे बैठ के, इतना बढ़िया लग रहा है। आई होप कि आपने यमुनानगर में ऐसी जगह तो कभी नहीं देखी होगी यार। आपको थोड़ा पास आगे दिखाता हूँ मैं,
दोस्तों कितनी अच्छी हवा चल रही है यार, आपको मैं अच्छा सा व्यू दिखाया है। नदी वैसे अब सूखी पड़ी है, यहाँ पे पानी आता है जब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो पीछे से यहाँ पे सारे में पानी आ जाता है। पहाड़ इतनी ऊंचाई पे नजर आ रहे हैं, ऊपर बादल लग रहे हैं, बारिश आने का डर है यहाँ पे। तो आप आ सकते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा यार, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी जगह आई होप कि आपने पहले यमुनानगर में नहीं देखी होगी, ना किसी ने दिखाई होगी। ये यमुनानगर का बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है पलहोड़ी। तो आपको कैसा लगा यार, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आप यहाँ का थोड़ा अच्छा सा अच्छा व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से जंगली जानवर भी आ जाते हैं, ऊपर से यहाँ नीचे आ जाते हैं जंगली जानवर, और कई बार तो लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, पर अब सेफ्टी बहुत ज्यादा हो गई है तो इसलिए कोई डर नहीं है। यहाँ पे लोग आराम से बैठ के खा पी के कुकिंग करके जाते हैं। और आप देखिए सामने झोपड़ी सी भी नजर आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और आपको बता दूं कि ये कलेश्वर नेशनल पार्क है, यहाँ से शुरू हो जाता है, जहाँ पहले जंगल सफारी भी होती थी यमुनानगर के अंदर, पर अब बंद कर दिया वो। तो आप यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से पीछे पलहोड़ी लग जाता है, पलहोड़ी का एरिया सारा, वो विलेज है वैसे एक, बाकी जो बेस्ट व्यू है वो यहीं से आता है। कितना बढ़िया है, लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पे मजे से। और दोस्तों साथ ही आपको अगर यहाँ तक आना है, यहाँ तक घूमने के लिए आना है आपको, तो आपको मेनली यमुनानगर से खिजराबाद तक आ जाना है। खिजराबाद से आप कट मार के लेफ्ट हैंड की तरफ अंदर आके चिकन गांव पड़ता है, टिब्बी बकर वाला या चिकन गांव आप बोल देना किसी को, तो आप वहां पे आपको बच्चा बच्चा बता देगा कि भाई ये रास्ता जा रहा है, सीधा सीधा रास्ता, कहीं नहीं जाना। तो आप यहाँ तक पहुंच जाना और बढ़िया से फिर इस प्लेस में घूम लेना। तो कैसे लगी वीडियो आज की, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना यमुनानगर वालों को। यमुनानगर वालों को पता चलना चाहिए कि भाई अपने यमुनानगर में भी ऐसी जगह है। ये देखिए रास्ते से आए हम, तो चलते हैं अब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।